अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, आप सभी का एस्ट्रो योगी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं सभी राशियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। नौकरी और करियर में कैसी रहेगी आपकी ग्रोथ, बिजनेस में कैसा रहेगा आपका मुनाफा, रिलेशनशिप में कैसी रहेंगी चीजें, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फरवरी मासिक राशिफल 2024। हम सभी साल 2024 के दूसरे माह यानी फरवरी के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये महीना सकारात्मकता, अच्छा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देगा। इसके साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थिरता लेकर आएगा। इस माह मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। ये आम तौर पर आपको अपने लक्ष्यों की ओर महत्वाकांक्षी और सोच समझकर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आप सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और सफल होने के बेहतरीन तरीकों का पता लगाकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस अवधि में आपके निर्णय अक्सर इस बात पर आधारित हो सकते हैं कि लंबे समय में सबसे अच्छा क्या रहेगा। शुक्र भी इस दौरान 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप प्यार और रिश्तों के बारे में अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप किसी के लिए कमिटेड होने से पहले थोड़ा समय ले सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पहले एक मजबूत रिश्ते का आधार बनाएं। इस माह सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने आप को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए अधिक जागरूक हो सकते हैं। आप वास्तव में नए और आधुनिक विचारों में भी रुचि ले सकते हैं। इस अवधि में बुध 20 फरवरी को कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। ये लोगों को वास्तव में नए और विभिन्न विचारों में रुचि दिला सकता है। आप प्रगतिशील और भविष्य के विचारों के लिए अधिक खुले हो सकते हैं। आप निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय तर्क पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये महीना प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहने वाला है और इस महीने का बेहतरीन उपयोग करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातक, फरवरी 2024 का महीना आपके करियर, सार्वजनिक जीवन और अवसरों पर प्रभाव लेकर आएगा। इस महीने की शुरुआत से ही काम, व्यक्तित्व विकास और सार्वजनिक छवि पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपको करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। मान्यता प्राप्त करने और सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी। आप अपने पेशेवर जीवन का विस्तार करने और अधिकारी पद पर लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। करियर में वृद्धि और सामाजिक छवि दोनों ही आपके लिए प्रमुख होंगे और उनका संतुलन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कार्यस्थल पर महीने की शुरुआत में आप काम की जिम्मेदारी लेने और परियोजना का नेतृत्व करने के लिए हर अवसर के लिए कदम उठाएंगे। आपको इस महीने का अधिकतम लाभ उठाने के लिए काम पर अधिकारियों के साथ संपर्क और नेटवर्क बढ़ाना होगा। संचार आपके करियर का प्रमुख हिस्सा होगा। जितना अधिक आप संवाद करेंगे, आपके लिए सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। आपके कार्यालय में हर कोई आपके समर्पण और दृढ़ता की प्रशंसा करेगा। कलीग्स और जूनियर्स आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने में मदद करेंगे। आपके कार्यस्थल पर दुश्मन आपके काम के बीच में परेशानी या बाधा नहीं डाल पाएंगे। आप अपने काम के हर चरण में आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन पेंडिंग है, तो महीने के मध्य में सितारे पदोन्नति या वेतन वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। आपकी सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। आपका व्यक्तित्व चमकेगा और आपकी उपलब्धियों को दर्शाएगा। ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अहंकारी और जिद्दी ना बने। काम पर अधिक लाभ कमाने के लिए अपना रवैया विनम्र रखने की कोशिश करें।
छोटी मोटी असहमतियां होंगी, लेकिन उन्हें प्रमुख ना बनने दें और चीजों को जल्द ही सॉल्व करें। शांतिपूर्ण तरीके से और स्नेहपूर्ण तरीके से आप अपने लाइफ में फेब के महीने में काम कर सकते हैं। कुछ अच्छी बातचीत होगी, सुखद पल होंगे और वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। सिंगल लोग अपने पुराने दोस्तों में से किसी एक में अपने प्रेमी को पा सकते हैं। महीने के मध्य के दौरान आप काम और अन्य सार्वजनिक चीजों पर बहुत ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा उपेक्षित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप और आपका पार्टनर बेहतर तरीके से जुड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय वास्तव में अच्छा हो सकता है। आप एक कपल के रूप में करीब महसूस करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप में ऊर्जा का स्तर अधिक रहेगा। आपके लिए कुछ उपाय बता देते हैं जो पूरे महीने आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपने नहाने के पानी में गुलाब जल की एक बूंद जरूर मिलाएं। सुबह सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल ना भूलें। अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी ले सकते हैं फ्री कंसल्टेशन। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉगिन करें astroyogi.com पर। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।